एक बहुआ यानी विकल्प के तौर पर एशिया, ये इनका एडिटोरियल का टाइटल है जो कि आज द हिंदू में 9 जनवरी 2020 को प्रकाशित हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, कि एशिया के उदय के बारे में, एशिया की किस हिसाब से प्रतिष्ठा बढ़ रही है पूरे विश्व में, और किस प्रकार से वेस्टर्न पावर डाउन हो रहा है, ये सब ये प्रदर्शित कर रहा है। द कंटूर ऑफ न्यू, मतलब नए ऑर्डर में, नए परिप्रेक्ष्य में इंडिया और चाइना की अहम भूमिका है, और इनको आप वेस्टर्न चश्मे से नहीं देखना चाहिए, पश्चिमी जो है चश्मा है, पश्चिमी जो भी प्रिज्म है उससे नहीं देखा जाना चाहिए। 200 साल के बाद एशिया की इकोनॉमी, जो कि भारत, जिसमें भारत और चीन प्रमुख रूप से हैं, बढ़ गई हैं दूसरे विश्व कंपेरेटिवली, विश्व दूसरे जो रिमेनिंग वर्ल्ड है उससे कंपेरेटिवली, ठीक है। इंडिया एंड चाइना ने जो अपने सीमा के विवादों को सुलझा लिया, जैसे ही वैसे ही क्या हुआ है कि ये वर्ल्ड की मोस्ट पावर, मतलब मोस्ट अहम भूमिका निभाने वाली दोनों इकोनॉमी के तौर पर उभर के सामने आई है, और ये अब विचारधाराओं पर डिवाइड नहीं कर रही है वर्ल्ड को, ये वैल्यू पर डिवाइड कर रही है। मतलब इनके जो रूल है, रेगुलेशन है, उससे क्या है, विचारधाराओं से डिवाइड नहीं है, ये वैल्यूज पर डिवाइड है। एशियन सेंचुरी का जो एक नारा था, या एक जो एक ओवर के सामने आया था कुछ समय पहले, वो 1988 में उसका उदय हो गया था कि अब जो एशियन सेंचुरी का युग आने वाला है, कि ये युग एशियन सेंचुरी का है, 1988 में ही इसका उदय हो गया था। कब? जब राजीव गांधी और चाइना के लीडर, भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और चाइना के लीडर डेंग चाओपिंग की मुलाकात हुई थी, ठीक है। और जो मतलब 1962 में बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसके रेफरेंस में, और जैसे ही वो दोनों के मसले 1988 में जैसे ही सुलझे, या जिस लेवल पे भी सुलझे, 1962 से जो खटास थी 1988 में जैसे ही सुलझ गई, उससे ही दोनों जो इकोनॉमीज हैं उनका री इमर्ज हुई, मतलब फिर से उनका उदय हुआ। और वो किससे, मतलब अपनी संपन्नता से भरी हुई थी, टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी, सक्षम थी एक नए सेप को बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट थी नए ऑर्डर को एक प्रतिस्थापित करने के लिए, जो कि हमारी सिविलाइजेशन या जो वैल्यू है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए उनने प्रमुखता से निभाई, जो कि बेस्ट नेशंस थे, या जो बेस्ट की थ्योरी थी उसके उस पर उसको ये बिलोंग नहीं करती थी। और बेस्ट मतलब जो पश्चिमी देश थे, या उनकी जो तुच्छ विचारधारा, ठीक है, जैसे कि आप देख लो स्थिर जो इनकम है, जो मिडिल क्लास की जो इनकम है वो स्थिर हो गई, और जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन के जो चैलेंजेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उन सब चीज़ों ने ये कन्फर्म कर दिया है कि अब जो भी काम होगा, या जो भी थेरेपी, या जो भी विचारधारा है, जो भी हायर पॉइंट पर रहेगा, वो किस बेसिस पर रहेगा, कि अब वैल्यू बेस्ड सिस्टम निर्धारित होगा, विचारधारा बेस्ड सिस्टम निर्धारित नहीं होगा। और सिविलाइजेशन को बेस मान के ही उस चीज़ का निर्धारण होगा, और उस चीज़ का गठन किया जाएगा किसी भी चीज़ों का। वो वेस्टर्न का क्या पूरा का पूरा मत रहता है, उनका विचार क्या रहता है, कि पावर को बैलेंस करके चलो, अगर पावर आपकी छीन हो रही है तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करवाओ जिससे आपके हथियार बिके, और वेस्टर्न का पूरा यही श्रेय रहता है। लेकिन एशिया में उसके उलट, सिविलाइजेशन को बेस्ड रख के यहाँ पर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से काम होता है, पूरी की पूरी एज में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रखने की बात होती है। अब जैसे कि एशिया में दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं मेन है, चाइना और इंडिया। तो चाइना की बात करें, 2013 में जैसे ही उसने 50% की जो ग्लोबल बेल्ट हुई उसकी, तो उसने क्या अनाउंस कर दिया, मल्टीलेटरल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कब? 2014 में उसने अनाउंस कर दिया, किसने, चीन ने। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का भी उसी ने अनाउंसमेंट कर दिया, जिससे कि जो उनको चैलेंज किया जा सके, जो ग्लोबल लेवल पर जो भी ग्लोबल लेवल पे गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल लेवल पे खुद को सस्टेन करने के लिए, कि एशिया की अपनी खुद की वैल्यूज हो, जिस हिसाब से
वर्ल्ड ट्रेड है ऐसे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी डेवलप किया, और ये इन्होंने एक मिसाल कायम की। उसी प्रकार से आप इंडिया को देख लो, 2015 में इंडिया ने क्या स्टेब्लिश किया, सोलर अलायंस स्टेब्लिश किया, जो जो कि इतर था या अलग था, जो ग्लोबल के जो सतत डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क थे या जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनसे बिल्कुल अलग था, जो कि इंडिया ने ग्लोबल अलायंस सॉरी सोलर अलायंस प्रतिस्थापित किया था। अब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने भी इनके जो एशियन सेंचुरी को है उसको रिकॉग्नाइज किया है, या उसको सही माना है कि हाँ अब एशियन सेंचुरी चल रही है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट डील करता है किससे, चाइना और इंडिया से, इंडो पैसिफिक जोन के लिए, या जो भी हमारी नेवी या जहाँ पे भी काम करने के लिए, वो डायरेक्ट इंडिया और चाइना को तवज्जो देता है या डील उन्हीं से करता है। अब ये एक एग्जाम्पल है जहाँ यूएस क्या करता है, ह्यूमन राइट्स को अकेले ही संरक्षित करता है पॉलिटिकल रूप से, प्रोसीजरल रूप से। वो अब क्या कर रहा है, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज जैसे मेन मुद्दे से वो क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा बर्डन कहाँ, डेवलपिंग कंट्रीज पे आ गया। अब इन डेवलपिंग कंट्रीज पे इस बर्डन के आने के साथ साथ ट्रेड में जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, उसका भी बर्डन इनके ऊपर आ गया। तो अब जो बहुआयामवाद जो करंट में चल रहा है वेस्टर्न का, वो क्वेश्चन उठा रहा, क्वेश्चन के दायरे में है, प्रश्न चिन्ह के, मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं किस हिसाब से, कि क्या ये वही कॉलोनाइजेशन टाइप की एक चीज़ हो रही है पूरे के पूरे उसमें। और ये क्वेश्चन सिर्फ एशिया ही नहीं उठा रहा है, उन बेस्ट के जितने भी उनके समर्थक हैं वो भी इस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि ये क्यों है। ये निर्णयात्मक शिफ्ट, जो निर्णयात्मक एक शिफ्ट हुआ है कि जो आप वैल्यू आइडियोलॉजी से वैल्यू पे आप आए हो, उसने क्या किया है, एशिया के एशियन का जो ग्रोथ इंजन है एशिया का, उसको एज वेल एज एशिया की जो टेक्नोलॉजिकल या इन्वेंशन पावर है उसको भी क्या किया है, प्रभावित किया है। उससे क्या हुआ, ग्लोबल कंपटीशन जो है वो कंट्री बेस्ड होके अलग जा रहा है, और फ्रेगमेंट हो रहा है, टूट रहा है। मतलब पहले क्या होता था, कंट्री बेस्ड कॉम्पिटिशन, इस कंट्री की कॉम्पिटिशन, इस कंट्री की कॉम्पिटिशन, अब क्या हो रहा है कि वो फ्रेगमेंट हो रहा है। जो पॉलिसी निर्धारित हो रही है वो पूरे के पूरे देश को लेकर निर्धारित हो रही है। आप कब से 3 क्वार्टर का डेटा उठा के देख लीजिए, 1993 से 2013 के बिटवीन, तो ये क्या हो रहा है, मतलब फ्रेगमेंट हो रहा है। डायरेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं ये कंट्री बड़ी है कि ये कंट्री बड़ी है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, उनकी वैल्यू शिफ्ट हो रही है, वो पूरा का पूरा ग्रोथ पूरे के पूरे ट्रेड पर होकर निर्भर कर रहा है। अब यूएस के द्वारा जो इम्पोज किया गया था, जैसे हुवाई के अभी रिसेंटली उसके हुवाई के आप कंपोनेंट ना खरीदो, ये ना करो, तो उसको कुछ ही लोगों ने माना है, कुछ ही देशों ने उसका पालन किया है जो कि यूएस के नियरेस्ट हैं या जो हाथ में थे यूएस के, बाकी और किसी ने उसका पालन नहीं किया है। ठीक है, और रसिया से जो पाइपलाइन बिछनी थी, कंपनीज जो गैस पाइपलाइन रसिया से बिछा रही थी, और ईरान पे जो सैंक्शन लगाए गए हैं, ठीक है, ईरान पे जो सैंक्शन लगाए गए उससे इंडिया अफेक्ट होगा, इससे नो डाउट, लेकिन लॉन्ग टर्म इससे क्या है, इंडिया को कुछ नई युक्ति, या दोनों देशों को या सैंक्शन वाले देशों को नई युक्ति ढूंढने पर ये चीज़ क्या करेगी, मजबूर करेगी। चाइना पे ज़्यादातर उसका मतलब कॉलोनियल राज्य ज़्यादा उतना रहा नहीं है, लेकिन वो मतलब उत्सुक है तुरंत रिच अमीर होने के लिए, और उसने वो स्टार्ट भी कर दिया है। इंडिया का क्या है, इंडिया भी उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो कॉमन इंटरेस्ट को लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है, और डिफरेंट टाइप के नेगोशिएटेड ट्रीटी भी कर रहा है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि वो सब चीज़ों को लेकर चल रहा है। पहले जैसे नहीं कि कंट्री बेस्ड जो होता था, ये कंट्री अमीर हो गई, ये कंट्री पावरफुल हो गई, इस हिसाब से ये पूरा का पूरा फिनोमेना अब नहीं चल रहा है, अब आइडियोलॉजी को छोड़कर वैल्यू बेस्ड फिनोमेना चल रहा है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसने 72 कंट्री को कवर कर रखा है, जो कि लगभग 70% ऑफ पॉपुलेशन है, और ये एक नेटवर्क इवॉल्व हो रहा है जिसमें आपके पर्सनल इंटरेस्ट, मार्केट के जो इंटरेस्ट हैं जो आपके देश के, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, और बेनिफिट जो है, बेनिफिट की कनेक्टिविटी बन रही है इसमें, और यूरेशियन मार्केट को भी इसमें एंट्री एंट्री मतलब कनेक्ट किया गया है,
और जो आधा फ्यूचर है वो BRI का किस पर डिपेंड करता है, जो फंडिंग हो रही है BRI के लिए, जो मल्टीलेटरल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा फंडिंग हो रही है, जो मल्टीलेटरल बैंक्स हैं उनके द्वारा जो फंडिंग हो रही है, आधा फ्यूचर तो उसी पर डिपेंड करता है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अभी तक इन्होंने क्या है BRI को ड्रॉ करवा दिया, अब ये पोटेंशियल बता रहे हैं BRI का कि क्या पोटेंशियल है। BRI एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को, और एक बिल्डिंग इसका प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब एक स्कोप बिल्ड कर रहा है जो कि मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ के द्वारा कई देशों के साथ कई हिसाब की ट्रीटीज़ करके संधियां करके एक बड़ा एक नेटवर्क तैयार कर रहा है। और इससे हो क्या रहा है, चाइना की जो रेमिनबी है उसकी वैल्यू को ये बढ़ा रहा है चाइना, क्योंकि ये किसका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, तो जिस 70% पॉपुलेशन उससे ऐड हो गई है और बहुत सी कंट्रीज उससे जुड़ गई हैं, 72 कंट्रीज ऐड हो गई हैं, तो इससे क्या है रेमिनबी की वैल्यू को बढ़ा रहा है, हर जगह रेमिनबी की वैल्यू बढ़ाएगा। और ये नेशनल जो है नेशनल बैंक ये मतलब लोन भी देगा, यहाँ से लोन भी दिलवा रहा है, तो ये पूरा का पूरा रेवेन्यू को बढ़ा रहा है और डॉलर के लिए कहीं ना कहीं ये नुकसान का कारण बनेगा। अब एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बन रहा है, ब्लॉकचेन नेटवर्क मतलब जैसे डिजिटल करेंसी होती है, तो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बन रहा है उससे एक डिजिटल करेंसी ड्रॉ होगी, तो अब उसमें डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये मेन है कि एक ब्लॉकचेन इंटरनेशनल ब्लॉकचेन नेटवर्क करेंसी बनाई जा रही है, जिससे कि US की जो डॉलर है उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, और इससे आपका जो US की संपन्नता है उसको क्या हो रही है, खतरा हो रहा है या कम हो रही है उसकी वैल्यू। अब इतने सब ये सब होने के बाद भी एशिया में ये इतने सब बड़े स्केल पे चीज़ें बदलने के बाद भी फिर भी क्या है, डरा हुआ है, डरा हुआ है, सावधान है चाइना और उसकी उत्सुकता से, चाइना से और उसकी उत्सुकता से। क्यों, चाइना जो अभी RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि है पॉइज्ड टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक बिकॉज ऑफ द लार्ज इंडियन मार्केट, अब इंडिया अगर इससे RCEP से ऐड होता है तो ये बहुत बड़ा मार्केट हो जाने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ा मार्केट है इस चीज़ के लिए। RCEP तो आप जानते हो ना, कब वो रीजनल पार्टनरशिप, उसमें आपको कम टैरिफ पे उसमें जो रिलेटेड कंट्रीज हैं वो क्या कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं, और चाहे इंडिया के पास अभी बहुत बड़ा मार्केट है, तो दूसरे देशों की जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के मार्केट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो एशिया भी उस हिसाब से एक हिसाब से सावधान भी है और ईगर भी है जुड़ने के लिए, लेकिन सावधान भी है। अब US मिलिट्री का जो सरणगा है, जो आधार है, ठीक है, वो कहाँ है, एशिया में, चाइना उसके साथ ही, चाइना भी क्या सोच रहा है कि वो इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट है बॉर्डर डिस्प्यूट उसको क्या कर ले, उसके लिए उत्सुक है कि उसकी जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व कर ले और ये बाध्यताएं खत्म हो, जो बाध्यता खत्म हो, जो रीसेंट इंडिया और चाइना समिट हुई है जो भी बाउंड्री इशूज को लेकर हुई है उस पर कुछ ऐसा वर्क हुआ है कि उन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए और एक रोड मैप निकाला जाए, उसका फाइनल सॉल्यूशन बनाया जाए कि बॉर्डर इशूज को हमें कैसे सॉल्व करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है किसका, अमेरिका का, जो अमेरिका ने जो कहा था कि आप 5G के लिए ट्रायल मत करवाने दो, जो चीनीज कंपनी थी हुवावे उसका ट्रायल आप 5G का अपनी देश में ना करवाने दो, तो वो भी रिजेक्ट कर दिया है। और जितने भी जो बिल्डिंग मतलब वो होगी, गवर्नमेंट जब ऑक्शन करेगी तो उसमें 5G भी पार्टिसिपेट कर सकेगी, ये फिक्स हो गया है। अब जो नए नया उदय हो रहा है या जो नए ऑर्डर या नए लोगों का उदय हो रहा है उसे आप वेस्टर्न चश्मे से अब नहीं देख सकते या ना देखना चाहिए। 2018 में चाइना सबसे ज़्यादा गुड्स का सप्लायर था किसके लिए, US का, और इंडिया के साथ भी उसकी पार्टनरशिप ट्रेड को लेकर बहुत बड़ी है, और हर एक बड़ा स्टेट जो बायले जिनके द्विपक्षीय संबंध हैं वो इन 3 स्टेटों से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर जुड़ा है, ठीक है। इवन फार अवे नाटो हैज रिसेंटली डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द राइज ऑफ चाइना, और नाटो भी चाइना की तरफ देख रहा है कि चाइना के किस हिसाब से उसका उदय हो रहा है। अब चाइना जो इंडिया की तरह है
वो पार्ट नहीं है किसी भी कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का, वो पूरा का पूरा अपना अलग पूरा चलाता है, जो भी है उसका अपना सब सेपरेट है। बोथ द यूएस एंड चाइना हैव द रेगुलर हाई लेवल डिस्कशन ऑन द स्ट्रेटजिक इशू विद इंडिया रिकॉग्नाइजिंग इट्स डेमोग्राफिक टेक्नोलॉजिकल एंड रिसोर्स पोटेंशियल टू बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर ग्लोबल। चाइना और यूएस के बीच कंटिन्यूसली स्ट्रेटजिक मीटिंग हो रही हैं, एक दूसरे के लिए रिकॉग्नाइज किया जा रहा है डेमोग्राफिकली और अलग अलग बेसिस पे, लेकिन इंडिया भी क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है इन सब चीज़ों को, डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज को, और ये इन तिकड़ी का पार्ट हो सकता है या ये अभिन्न पार्ट होगा इसमें, नो डाउट। ठीक है, अब इन तीनों की तिकड़ी में कौन कौन सी बाधाएं या कौन कौन सी उलझने हैं इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अब आज की डेट में एशिया जो है वो 2/3 ऑफ वर्ल्ड जीडीपी का बना रहा है या बनाता है। ठीक है, कॉलोनाइज्म नॉट स्टैग्नेशन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ एशियन जायंट, देयर री इमरजेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, मतलब वेस्टर्नाइजेशन का ये क्या है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। द बॉर्डर प्रॉब्लम टू इज रेमिनेंट ऑफ द कॉलोनिज्म एंड नॉट फॉर द रिजल्ट ऑफ एग्रीगेशन। जो भी जहाँ भी बॉर्डर के इशूज हैं वो कॉलोनिज्म की देन है, ना कि किसी की एग्रेशन के, किसी ने लिया और किसी पे कब्जा कर लिया। क्लियरली यूएस चाइना इंडिया विल रिटेन देयर सिविलाइजेशन मॉडल इन टू द फ्यूचर। और जो तीनों की तीनों तिकड़ी है वो अपनी सिविलाइजेशन मॉडल को प्रतिस्थापित करेंगी और पाएंगी फिर से। इन एशियाज डिफरेंस विल सेंटर ऑन द ओवरलैपिंग द प्योरिटीज। एशिया में जो डिफरेंसेस हैं वो ओवरलैप करेंगे किस चीज़ के लिए, डिफरेंसेस को ओवरलैप कौन करेगा, प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं जो रहेंगी वो ओवरलैप करेगी, सिक्योरिटी है वो ओवरलैप करेगी, इकोनॉमिक्स जो है वो ओवरलैप करेगा, कनेक्टिविटी मार्केट इक्विटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बराबर और सतत विकास हो। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, 2030 तक एवरी पॉसिबिलिटी है कि इन उलझनों को या उन उलझाव को ख़त्म किया जाए। अब एशिया और अफ्रीका के जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं, ठीक है, वो उनकी कंडीशन भी क्या है, क्लोजर है इंडिया के और फिर नेक्स्ट किसके, चाइना के, और वेटिंग जो वेट कर रही है कि इंडिया बने, मतलब इंडिया के लेवल पे आए, जो देर से आती हुई इंडिया बोल सकते हो। सिविलाइजेशन स्टेट लाइक चाइना एक सिविलाइज्ड कंट्री है, टू ले आउट इट्स विजन, उसने एक लेआउट बना रखा है खुद के विजन का कि वो डिजिटल में काम करेगा, सस्टेनेबल मल्टीलेटरल स्ट्रेटजी पे काम करेगा, किस डेवलपमेंट हो उससे, और ये फ्रेमवर्क तैयार करेगा जो एक पूरक है या उसका कहना चाहिए उसके हिसाब से पर्यायवाची है, किस चीज़ का, ये सिनोनिम्स है किस चीज़ का, फ्रेमवर्क ऑफ द अदर टू पावर अर्ली कॉन्क्रीट मूव फॉर देयर साइमल्टेनियस राइज इन द ग्लोबल इंटरेस्ट, और दूसरी पावर का जो कि साइमल्टेनियसली राइज होगी इंडिया और चीन के बारे में ये उन्होंने कहा है। तो ये आज का एडिटोरियल था, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में लिख सकते हैं, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से मुझे या किसी को पैसे नहीं लगते, ना मुझे पैसे मिलते हैं ना आपके पैसे लगते हैं, तो सब्सक्राइब करने में कोई बुरी बात नहीं है। बाकी आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू।